दर्शकों नमस्कार इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रबी की फसलों में कीट एवं कीट का जैव विज्ञान संपर्क पर इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्धन जो प्रभारी हैं राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है अभिनंदन है।, है बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हम जानते हैं कि रवि की फसलों में कीटों का प्रबंधन यानी कि जैव नियंत्रण कई तरह से किया जाता है जिसमें हम अपने तरीके से रासायनिक रसायनों के छिड़काव से या फिर विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन फिर भी कई ऐसे रोग हैं जिनका उपचार और जिनका प्रबंधन हम वैज्ञानिक विधि से और वैज्ञानिकों के सलाह और परामर्श से ही कर सकते हैं जैव नियंत्रण क्या है और कैसे हम इसको रवि की फसलों में रोगों के प्रबंधन के लिए कर सकते हैं कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं इसी पर आज की हमारी वार्ता कार्यक्रम जो है संदर्भ संदर्भित रहने वाला है डॉक्टर तो साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है अभिनंदन बहुत बहुत शुक्रिया हाँ सर्वप्रथम आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि जैव नियंत्रण क्या है और ये क्यों जरूरी है जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आज मुझे यहाँ पर अपना गंतव्य रखने का मौका मिला और सभी किसानों को मेरा नमस्कार तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जैव नियंत्रण के बारे में जो मेरा विषय है आज तो जैव नियंत्रण ऐसा है कि आप इसी से ही समझ रहे हैं कि जैव जी जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं जैव नियंत्रण की बात करते हैं तो जैव से ही हमें पता लगता है कि जैविक क्रिया ठीक है जी तो एग्रीकल्चर हमारे कृषि में इसका कैसे उपयोग किया जाता है और किस तरीके से ये आगे हमारी फसलों में काम आता है इसके उप उपलक्ष्य में आपको बताऊंगा। और जैविक के बारे में जो जैव नियंत्रण है इसमें हमारे जो कीट हैं जो जीवाणु हैं विषाणु हैं जो कीट हैं हमारे मित्र कीट हैं जो दुश्मन कीट हैं है। उनके बारे में जो है उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उनकी रोकथाम कैसे करनी है फसलों में उसके बारे में मैं आपको इस इसके बारे में बताऊंगा। ये क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब जैव नियंत्रण इसलिए जरूरी है अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करूँ हम खेती उस समय से करते आ रहे हैं जब हमारे पूर्वज करते थे और उस समय भी हमारे जो जैविक क्रियाएँ थी वो उपलब्ध थी मेन कारण इसका जैव नियंत्रण का ये है कि हमारे जो नेचर में जो चीजें पहले से उपलब्ध हैं उनका हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है जी। और उसको इस्तेमाल करके उसका जो फायदा हमने लेना है वो किस तरीके से लेना है ये हमारा जैव नियंत्रण का रहता है और इसके मैं फायदे आपको बताऊं जैव नियंत्रण के बहुत सारे फायदे हैं इसमें मेनली फायदा ये है कि सबसे पहले तो आप एक वातावरण की बात करते हैं है ना जी तो वातावरण को आपको रसायनों से छुटकारा देता है और सबसे ज़्यादा जैसे इको फ्रेंडली की बात हुई है ना जी और सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी आज की जनरेशन हमारा खान पान भोजन उसमें और तीसरा क्या है कि ये जो इकोनॉमिक है जी ये इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है बिल्कुल ये बहुत अच्छी मतलब एक टेक्निक है जैव प्रबंधन तो ये हमारे मेजर इसमें फ़ायदे रहते हैं ठीक है यानी कि एक तो ये पर्यावरण मित्र संबंधी प्रक्रिया है और दूसरा ये आ, कम लागत वाली प्रक्रिया जिसको हर किसान अपने खेतों में अपने बागानों में कर सकता जी डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि हमारे जो पूर्वज है वो प्राकृतिक विधि से खेती बाड़ी करते थे जी। वो एक समय था जब हम प्रकृति के साथ जुड़े थे और लेकिन ह, जैसे ही हरित क्रांति आई और देश में खाद्यान्नों की जरूरत महसूस हुई अकाल पड़ा तो हमें मजबूरन रासायनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ा जाना पड़ा जी उससे उपज तो बढ़ी लेकिन हमारी जो खेत की मिट्टी है वो रसायनों के प्रभाव से जहरीली हो गई जी जिसका असर न केवल मृदा पर जी अपितु हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ा जी और उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जैव विविधता की जरूरत क्यों देखते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मेनली क्या है कि जब हरित क्रांति आई और उसके बाद जब हर एक खेती में हर तकनीक का एक आना हुआ जी। तो उसके साथ किसानों को तो खेतीबाड़ी में उसका फायदा हुआ परंतु उसके दुष्प्रभाव भी पड़े देखने, देखने को मिले तो उसमें सबसे ज्यादा हम आज की डेट में जैसे बायोलॉजी का कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम तो मैं उसी विषय पे आपको बताऊंगा कि जैसे हम कीड़ों की बात करते हैं या किसी बीमारी की बात करते हैं ये कहां से उत्पन्न हुई ये जमीन से ही उत्पन्न हुई बिल्कुल ये हमारी जो खेतीबाड़ी है आजकल जिस प्रकार से हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं जो हमारा तरीका है, तोर तरीका है तौर खेतीबाड़ी करने ये उसी से ही उत्पन्न हुई मेनली क्या रहता है कि हमारा सबसे बड़ा जो क्रिया रहती है हमारी इसमें मिट्टी है मिट्टी से फसल का उत्पादन होगा अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो आने वाला उत्पादन जो है उसमें वृद्धि होगी परंतु हमने क्या किया है कि उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने रसायनों का अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है जी। और इसमें जैव नियंत्रण कैसे काम करता है मैं ये बताऊंगा जैव नियंत्रण क्या है कि हम दो एक पहलू की बात करते हैं दो चीजों पे आऊंगा पहले मैं एक आएंगे हम एक मित्र कीट की तरफ जी एक आएंगे हम जो है हमारे शत्रु कीट की लेकिन कीट प्रबंधन कैसे करना चाहिए क्या विधाय रहनी चाहिए जी ताकि आम जो किसान है वो भी समझ सके जी इसमें फसलों पर आधारित रहता है ये जी। जैसे दो हमारे जो सीजन होते हैं एक रबी की फसलें होती हैं एक खरीफ की फसलें होती हैं तो रवि में जो हमारी सब्जियां रहती हैं और जो हमारी खाद्यान्न जो फसलें हैं उस पर अलग अलग प्रकार के जो हैं, जीवाणु विषाणु और कीट होते हैं ठीक है तो, तो उनके प्रबंधन के लिए भी एक जैसे मैं कहूँगा कि अगर मान लो हम एक पुराने टाइम में जैसे चंदा मामा की बात करते हैं जी हम तो, तो मामा की बात करते हैं हम उससे खेलते थे परंतु वो हमारे लिए हानिकारक नहीं था हमारी फसलों के लिए मित्र कीट थे हमारे उसको पहचानना और उसको उपयोग करना यही हमारी उपलब्धि है और हम जो आज के समय में हम इस जय प्रबंधन में हम काम कर रहे हैं वो हम इसी पे ही काम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमारे तीन चीजें रहती हैं एक रहती है हमारी इंट्रोडक्शन ठीक है जी जैव प्रबंधन में उसके बाद आ जाती है हमारी ऑगमेंटेशन वृद्धि और तीसरी आ जाती है हमारी कंजर्वेशन संरक्षण हाँ जी संरक्षण जी. तो इंट्रोडक्शन में हम ये जाते हैं कि हम वो देखते हैं कि क्या जरूरत है इसकी जरूरत क्या है जी है ना जी दूसरे हम जाएंगे कि वृद्धि अगर हमें किसी कीट की जरूरत है हुँ. या कोई शत्रु कीट हावी हो गया है उसकी पॉपुलेशन को कैसे कम करना है शत्रु कीट की पॉपुलेशन को और मित्र कीट की पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाना है ये हमारी होगी वृद्धि उसको हम जो लेबोरेटरी में जो हमारी पालमपुर में स्थित है जी। जो राज्य की जो बायो कंट्रोल लेबोरेटरी पालमपुर में स्थित है, है वहां पर ये काम किया जाता है और उन मित्र कीटों की पॉपुलेशन को रेरिंग के माध्यम से जो है बढ़ाया जाता है और जहाँ पर जिन जिन फसलों में उसकी ज़रूरत होती है जिस समय पे जहाँ पर मित्र कीट जो है कम होते हैं वहाँ पर इनको छोड़ा जाता है और जहाँ पर इसकी पॉपुलेशन मित्र कीट की बिल्कुल भी नहीं होती है नहीं। उसको दूसरी जगह से लेबोरेटरी में बढ़ाकर बनाकर उनको जो है वहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि वो जो हमारे शत्रु कीट हैं उस पर वो हावी हो पाए और हमारी उपज जो है अच्छी हो पाए जी डॉक्टर साहब ये तो मित्र कीट और शत्रु कीट कुछ प्राकृतिक रूप से वातावरण में खेतों में विद्यमान रहते हैं जी और कुछ आपने कहा कि आप वैज्ञानिक विधि से भी अपने अनुसंधान के बल पर उन्हें तैयार करके किसानों के लाभार्थ उन्हें खेतों में छोड़ते हैं जी कीट तैयार करना आपकी एक जैविक विधि का हिस्सा है जी जैविक अनुसंधान का हिस्सा है जी लेकिन जब हम बात करते हैं रासायनिक क्रियाकलापों के माध्यम से जी कीट प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं ताकि वो भी किसानों के लिए हित कर रहे जी फसलों के लिए हित कर रहे हैं जी जी फसलों के लिए इस तरीके से हित कर रहे हैं कि हमारा मेन कार्य ये है कि तीन चीजें जैसे मैंने आपको बताई जी इसमें हमारे एक आते हैं परजीवी परजीबी ठीक है जी दूसरे आते हैं हमारे इसमें परभक्शी तीसरे आते हैं हमारे जीवाणु सही ठीक है जी।, जी तो हम जब परजीवी की बात करते हैं जो हम पेरेस्ट्रॉइड की बात करते हैं जी उसमें हमारा क्या होता है जैसे कोई भी हमारा होस्ट है ठीक है जी कोई भी हमारा जो पेरेस्ट्रॉइड है उस पर जो हम पेरास्टोड छोड़ेंगे जो एग पेरास्टोइड जो छोड़ेंगे हम वो अपना लाइफ साइकिल उसी में ही कंप्लीट करेगा जब वो लाइफ साइकिल उसको कंप्लीट करेगा तो वो जो शत्रु होगा तो उसको वो पनपने नहीं देगा यानी कि शत्रु का वो भक्षण करेगा हाँ मित्र कीट पनपेगा और शत्रु शत्रु जो जो बिल्कुल जी बिल्कुल तो इसमें हमारे जो ये जो मेन जो पेरास्टोइड जो एग पेरेस्टॉयड जो आते हैं इसमें हमारा एक ट्राइकोगामा आता है इसमें काफी स्पीसीज है तो ट्राइकोगामा जैपोनिकम है उसके बाद जो हमारे जो आते हैं जो ये की मैंने आपको परजीवी के के हाँ जी परभक्षी परभक्षी जो है हमारे जैसे चंदा मामा हो गया ठीक है जी फिर उसके बाद हमारे जो ये स्पाइडर्स हैं ये हैं और बहुत सारे हमारे जो ऐसे मित्र कीट हैं जो प्रजीवी हैं जो बड़े जो हैं जो इन फसलों को बचाते हैं नेचुरल तौर पर प्राकृतिक तौर पर हम तो इनकी जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं और किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं परंतु कहीं कही ना कहीं ये जो है पहले से ही नेचर में उपलब्ध है बिल्कुल और शुरू से ही यही खेती बाड़ी करते इसको बचाते आ रहे हैं सही बात है ना जी? जी और तीसरी मैं बात करूंगा विषाणु जीवाणु की जी। जो हमारी इसमें मेनली आती है हमारी फफूंद जी ठीक है जी फफूंद आती है फिर हमारे वायरसेस हैं तो ये आते हैं इसमें कुछ हमारे जो कीट है शत्रु कीट एक स्पेसिफिक शत्रु कीट है जो इस श्रेणी में आते हैं इस प्रजाति में आते हैं उसमें क्या है कि उसमें भी हम एनपीबी के ऊपर काम करते हैं एनपीबी हाँ से क्या है उसमें क्या है कि ये एक वायरस है हम जिस जीवाणु के ऊपर काम करेंगे उसको हम ले जाकर लेबोरेटरी में उसकी जो है उसी से ही एक स्रोत बनाएंगे एक मतलब एक जल के रूप में होगा वो तो उसे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे हम उसको बना के जो हम उसकी स्प्रे करते हैं तो एक वायरस का काम करता है वो जो हमारा जो शत्रु कीट होगा उसके ऊपर ये स्प्रे के माध्यम से जाता है और वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है जी डॉक्टर साहब आपने बात करी परजीवी परभक्षी और जीवाणु की जनित जितने भी हमारे विषाणु जी। और जीवाणु जी। जो हमारे आ, मित्र कीट और शत्रु कीट है स्वतंत्र देखते हैं कि ये कीट मिट्टी से ऊपर हवा में भी पाए जाते हैं फसलों में भी पाए जाते हैं और मृदा के नीचे भी ये कीट पाए जाते हैं जी तो ऐसे में छिड़काव के माध्यम से हम भूमि के ऊपर जो केट है उनका नियंत्रण तो कर सकते हैं जी लेकिन जो मिट्टी के नीचे है मृदा के अंदर जो केट है वो मित्र केट भी हो सकता है शत्रु केट भी हो सकते हैं उनका प्रवर्धन और उनका नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए देखिए जो हमारी खेती बाड़ी की तकनीक है वो हमें पता है कि हमने जब पुराने समय में जब हम खेती बाड़ी करते थे हम आज के डेट में जो प्लोइंग की बात करते हैं हलाई की बात करते हैं तो पुराने टाइम में जो है हमारी जो प्लोइंग होती थी वो एक लकड़ी की हल से होती थी जी, जी। और उसके बाद जो आज की तकनीक में है उसके अलग 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 हैं आज पावर ब्रिडर हैं पावर टील है, हम ट्रैक्टर की बात करते हैं बड़े स्केल में तो उसमें एक है कि वो निश्चित तौर पर एक जल्दी का काम जरूर है परंतु कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है उस तरीके से नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे जो जैसे मैं इस रबी की बात करूं अगर फसलों की बात करूं रबी सीजन की इस रबी सीजन में जो बीमारियां और जो कीट आएंगे वो अगली फसल में नहीं आ सकते ठीक है ठीक है जी उनका एक लाइफ साइकिल होता है वो आने वाले अगले रबी सीजन में जो है उत्पन्न होंगे वो किसी माध्यम से अपनी मिट्टी में रहेंगे सोयल में वो जिंदा रहेंगे जी। और वो एक्सपोज नहीं हो पाएंगे तो पुराने समय में क्या था कि जो हलाई करते थे वो एक बड़े तरीके से की जाती थी एक बार करते थे दूसरी बार करते थे तीसरी बार भी करते थे बिल्कुल बिजाई से पहले दो तीन बार जो हलाई करते आज के समय में क्या है कि हम डायरेक्ट ही बीज को डालते हैं और ट्रैक्टर के माध्यम से उसी दिन जो है हम उसकी बिजाई कर देते हैं तो है। उससे क्या था कि हमारी जो जो कीट है वो कीट एक्सपोज उनके एक जो हैं अंडे जो जमीन में उपस्थित है वो एक्सपोज नहीं हो पाते तो ये भी बहुत बड़ा कारण आज के समय में रहा है कि जितने भी हमारे कीट हैं वो आज की डेट में फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। और जो हम इस जैव प्रबंधन की बात कर रहे हैं जैव नियंत्रण की बात कर रहे हैं ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और मैं आज से नहीं ये बात कर रहा ये पहले से ही प्रकृति के थ्रू और जो हमारा अनुसंधान है इतने हमारे नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं इस चीज़ में और किसानों तक जो है इसका लाभ दे रहे हैं उसके अनुसार जो है ये आने वाले समय में भी आ, मतलब हमेशा के लिए ये चीज़ रहेगी जैव नियंत्रण आने वाले समय में रहेगा जी हाँ डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जैसा आपने जिक्र किया कि भले ही हमारी हल चलाने वाली जो कृषि परंपरा थी वो प्राचीन थी लेकिन वो पूर्णतः पर्यावरण प्रेमी और वैज्ञानिक विधि पर आधारित थी जी जब हम रवि के फसलों की बात करते हैं अपने प्रदेश की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु से शुरू होती है और जब तक पक्के फसल तैयार होती है तो पूरी तरह गर्मी की ऋतु आ चुकी होती है जी। ऐसे में वातावरण में जो तापमान का बदलाव है वो शून्य से लेकर 30-35 डिग्री तक देखने को सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता जी। है। ऐसे में अलग अलग अवस्थाओं में जी। फसलों में रबी की फसलों में कीट प्रबंधन में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जी सबसे पहले तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अगर आप किसी फसल की बिजाई करने के लिए तैयार रहते हैं जिस भी सीजन में उसमें सबसे पहले तो अपनी अच्छे से तैयारी करें ठीक है जी उसमें ये तैयारी रहनी चाहिए पहले तो समय का बहुत ही जरूरी रहना चाहिए कि आपके जो क्षेत्र है वो इसमें डिपेंड करता है कि जैसे हम मिड हिमालय की बात करते हैं या प्लेन रीजन की बात करते हैं जैसे अपर हिमाचल है यहाँ पर जो हिली एरिया है यहाँ का तापमान जो है वो अलग रहता है जो हमारा नीचे वाले क्षेत्र है निचले क्षेत्र वहाँ का तापमान अलग रहता है बारिशें बारिशों का भी वैसे ही अलग है तो हर कीट का और हर बीमारी का ऐसा एक साइकिल है है वो एक तापमान के अनुसार ही पनपती है और उसमें वो अटैक करती है फसलों के ऊपर तो मैं इसमें तो यही बात कहूँगा किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें सबसे पहले क्या है कि अपनी तैयारी अच्छी से करें मिट्टी को किस प्रकार से आपने हलाई करनी है वो आप बहुत अच्छे तरीके से करें आपको सबसे पहले क्या है कि अगर आप नर्सरी सबसे पहले आगे बीज ठीक है बीज का आपको ज्ञान होना चाहिए उसके बाद अगर आपने नर्सरी का उत्पादन करना है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें हमने किन रसायनों का प्रयोग करना है या नहीं करना है जी। ठीक है जी आज के समय में अगर कोई अगर बीज की बुआई करता है तो अगले दिन वो तैयार हो जाता है कि मैंने ये दवाई डालनी सही बात है। तो हम अगर इस अप्रोच को अगर जानेंगे तो जैविक जो नियंत्रण है वो काम नहीं करेगा ठीक है तो अगर हमने जैविक नियंत्रण में जाना है मैं ये नहीं कहता कि अब रसायनों का उपयोग ना करें जी। ठीक है जी अनुसंधान के अनुसार कोई रसायनों का उपयोग करना कोई गलत बात नहीं परंतु उसको सही मात्रा में इस्तेमाल करना ही अनुसंधान का काम है ठीक है ठीक है जी तो वो लोगों तक और किसानों तक पहुंचाना है इसी प्रकार से जो जैव नियंत्रण है जैव नियंत्रण भी तभी काम करेगा जब आप इस अप्रोच पे काम करेंगे कि कौन सी चीज फसल के लिए जो है लाभकारी लाभकारी यानी कि अनुशासन में अनुसंधान का इस्तेमाल करने से बुद्धिमतापूर्ण तरीके से आप अपने फसलों का रोग मुक्त रख सकते हैं और जैव प्रबंधन सही कर सकते हैं जी बिल्कुल जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं किस सिद्धांत पर काम करती हैं ताकि वो किसानों के लिए हितकारक हो सके जी जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं जो हैं हमारे हिमाचल में सिर्फ एक प्रयोगशाला है जी। पूरे राज्य में जो पूरे राज्य का काम देखती है और हमारी जो खेती है वो किसान के खेत से ही शुरू होती है ठीक है ठीक है जी वैज्ञानिक तौर पर जी। तो वो हमारे जो यहाँ पर जो हमारे जो एग्रीकल्चर के कृषि के खंड हैं ठीक है जी जो हमारे ऑफिस हैं ब्लॉक हैं उनके थ्रू जो है और लिंक करके हमारे जिला के जो ऑफिस uh, हैं उप निदेशक कार्यालय हैं उनके थ्रू जो है आप हमारे तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं और हम किसानों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं इसमें हमारा बहुत रोल रहता है कि सबसे पहले तो एक आती है नॉलेज वाली बात ठीक कि अगर मैं अगर जैव नियंत्रण की बात कर रहा हूँ तो जैव नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है ठीक है क्या ये जी। और किसानों को सबसे पहले जो है हम ट्रेनिंग के माध्यम से इस तरीके से पहुंचाते हैं सबसे पहले हम किसान को ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग के बाद हम जो है उस प्रणाली के बारे में उनको पूरा बताते हैं कि ये किस तरीके से अपने फसलों में इस्तेमाल करना है और किस समय पर करना है जी और कितनी मात्रा में करना है ये चीज जब तक किसान इस चीज को नहीं अपनाएगा और उसको उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो उस चीज का जो है गलत भी प्रयोग हो सकता है और हमारा जो काम है वो भी एक अच्छे स्तर पर पहुंचने से रह सकता है सही बात तो हमारा यही रहता है सबसे पहले तो अवेयरनेस हम किसानों को किसी आपके माध्यम से जैसे हैं जी ऐसे ही हमारे माध्यम हैं अलग अलग हैं तो उसी माध्यम से हम किसानों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं और हम यही उनसे कहते हैं कि इस चीज़ को अपनाया जाए और अपनी खेती को सुधार लाया जाए जी डॉक्टर वर्धन आज के समय में अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो रसायनों के छिड़काव के बिना हम फसल को जो है वो रोगमुक्त नहीं रख सकते हैं जी और खेतों के साथ साथ किचन गार्डनिंग का भी एक ट्रेंड चला है जिनके पास किस खेती योग्य भूमि नहीं है लेकिन वो अपनी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें उगाना चाहते हैं जी तो ऐसे में अगर कोई किसान या शौकिया किसान अपने फसल में छिड़काव रसायनों का छिड़काव करता है जी। तो कितने समय के अंतराल के बाद उसकी जो फसल है उसका जो खाद्यान्न है वो इस्तेमाल के योग्य हो जाता है और उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो नियंत्रित और संतुलित मात्रा में रसायनों का छिड़काव करे जिससे उसकी फसल रोग मुक्त हो और शरीर रोग मुक्त हो जी मेन मैं आपको बात करूं आपने बहुत अच्छी बात करी जो है किचन गार्डनिंग की ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली है जी और हमारे खेती ही किचन गार्डनिंग से शुरू होती है जी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि एक वर्टिकल फार्मिंग का लोग टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं इस आधार पर कर रहे हैं हाइड्रोफोनिक है परंतु जो हमारी किचन गार्डनिंग की बात जिस तरीके से आपने शुरू की उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत रहती है बिल्कुल अगर हम एक लार्ज स्केल खेती की बात करें तो हमें एक ध्यान रहता है कि ये एक कनाल की बात कर रहे हैं हम एक बीघा की बात कर रहे हैं या एक हेक्टेयर की बात कर रहे हैं ठीक ठीक है परंतु जो किचन गार्डनिंग है हमारी वो एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र होता है जिसमें हम अपनी खेती को करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उस जो प्रोडक्ट है जो भी सब्जी है या हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट क्योंकि चीक। वो हमारे घर के बहुत नजदीक होती है किचन के बहुत नज़दीक होती है जल्दी से उसको उखाड़ के लेके आते हैं जी ये चीज डॉक्टर साहब अपनी हमारी जो जीवन शैली है क्योंकि खाद्यान्नों का हम उपभोग करते हैं जी तो इस तरह से रसायनों का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर तक भी किसी ना किसी रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में ही लेकिन पहुंचता है तो अपनी जीवन शैली को रसायनों के प्रभाव से हम कैसे बचा सकते हैं इसमें अनुसंधान की सबसे पहली अप्रोच रहती है कि इंटीग्रेटेड जी कोई भी चीज है अगर मान लीजिए मुझे अगर बुखार आया ठीक है, है जी अगर डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि मुझे तीन टाइम दवाई खानी है ठीक अगर मैं उसको चार टाइम ले लूंगा तो वो मेरे लिए हानिकारक होगी सही बात ऐसे ही खेती बाड़ी के भी तौर तरीके हैं बिल्कुल उसमें भी यही चीजें आती हैं कि अगर जिस तरीके की अगर खेतीबाड़ी के लिए हम उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए या किसी कीट को या बीमारी को मिटाने के लिए अगर हम एक्सेसिव यूज जी। करते हैं तो हानिकारक है तो इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है बहुत जरूरी है इसमें मैंने आपको सब चीजें बताई जैसे कल्चरल की बात की इसमें सबसे पहले आएगा आपका बीजोपचार की बात करूँ अगर मैं रबी की फसलों की बात करूँ रबी की फसलों में अगर सबसे पहले मैं सब्जियों पर आऊँ तो सब्जियों में रबी फसलों में आपको ये पता है कि जैसे फूलगोभी होगी हमारी जो कॉल क्रॉप है इस प्रजाति की जो फसलें हैं जैसे बंद गोभी होगी मूली होगी फिर उसमें उसके बाद हमारा मटर हो गया ठीक है जी ये हमारी सर्दियों की या रबी फसलों की जो मतलब फसलें रहती हैं जिसमें हमारा है। पालक हो गया साग हो गया फिर लेट्यूस आ गया जो हमारी जो वेजिटेबल्स ये भी इसमें आती है।, ठीक है तो क्या है कि इस समय पे जो है अलग अलग प्रकार के जो कीट हैं इस इसपे असर करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं खेती बाड़ी को तो हम शुरुआत करते हैं जैसे हम मैं बीजोपचार की बात करूँ अगर मैंने फूल लगानी है ठीक है ठीक है जी इस समय में और फूलगोभी की अगर पनीरी तैयार करनी है तो मुझे उसका बीज उपचार सबसे पहले बहुत जरूरी है ठीक है डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा है जागरूक है और हर तरह की जानकारी सीखने में जुटाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल तत्पर रहता है और जाहिर तौर पर हमारा जो किसान है वो वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब कृषि की तरफ आगे बढ़ रहा है जी ऐसे में अगर हम जैव नियंत्रण की बात करते हैं तो आने वाले भविष्य में उसके लिए क्या चुनौतियां हैं और किन बातों का उसको सावधानियों में बरतनी चाहिए ताकि वो रोगमुक्त फसल उत्पादन कर सके कीटमुक्त उत्पादन ले सके जी आ, इसमें सबसे पहले ऐसे ही रहता है कि हमारे रसायनों का मैं तो यही कहूँगा रसायनों का बहुत कम उपयोग किया जाए इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया जाए जी आज के समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट खेती बाड़ी के बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें आई हैं परंतु मैं इसमें जैविक नियंत्रण एक जैव जो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है और हमारे बायो एजेंट्स हैं वो हर जगह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ठीक इसमें हमारे जैसे मैंने आपको पीछे बात करी इसमें हमारे मैंने किया कि ट्राइकोगामा की बात करी जी तो ट्राइकोगामा जो है है और ट्राइकोगामा ट्राइको हमारा एक पाउडर फॉर्म में आता है ठीक है जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं सही बात ठीक है जी उसको हम फार्म किसानों को यही कहते हैं कि उसको जब देंगे हम तो उसको गोबर के साथ मिला के जो है उसको मिश्रण करके मिश्रण करके गोबर के साथ उसको खेतों में फेंकना है बिल्कुल उससे क्या होगा कि जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी जी जो उपजाऊ क्षमता होगी उसमें वृद्धि आएगी जी और वो कई ऐसी भयंकर मतलब जो हमारे जो फसलों के रोग हाँ बीर की, की बात कर रहा ना मैं ट्राइकोडर्मा बी की बात कर रहा तो वो जो है उसमें जो है वो बहुत ही उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा और कई बीमारियों को जो काटेगा सही बात है। जी डॉक्टर साहब एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि अगर हम देखते हैं कि ये जो विषय है जैव नियंत्रण का ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित विषय है जी। ऐसे में इसको खेतों में और फसलों में एग्जीक्यूट करने के लिए जाहिर तौर पर किसान को भी इसका जानकारी होना जरूरी है उसका कौशल विकास और उसका प्रशिक्षण होना जरूरी है जी। क्या इसे हमारे आज के जो किसान हैं नवोदित जो किसान है एक स्वरोजगार के रूप में भी देख सकते कि आपकी प्रयोगशाला या विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर वो पूरे प्रदेश में अन्य किसानों के लिए भी इसका जो है कौशल विकास और प्रशिक्षण दे सकते हैं जिससे उनका रोजगार भी चलेगा और किसानों के लिए एक जैव नियंत्रण के लिए जो है वो सहयोग भी मिलेगा जी तो इसमें मैं सभी को यही कहूँगा कि जो हमारी प्रयोगशाला है वहाँ पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से जो है हम उनको इस तरीके की इसकी पूरी विधि जो है उसके बारे में पूरा हम उसको उनको बताएंगे और उनके खेतों तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे उससे मैं आपको फायदा बताता हूँ फायदा जैसे मैंने शुरुआत की थी कि सबसे पहले तो कम लागत ठीक है डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र वर्धन आप हमारे आज के कृषि दर्शन में शामिल हुए और आपने जैव नियंत्रण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी दर्शकों ये था हमारा आज का कृषि दर्शन उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी को आप रवि की फसलों में कीट प्रबंधन के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार